खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां बदलापुर कांड को लेकर जानकारी है कि वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। वारदात से पहले के 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस समय, बदलापुर कांड से जुड़ी हुई, वारदात के दिन का सीसीटीवी फुटेज ही गायब है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी दी है, वारदात से पहले के 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता इस समय मौजूद हैं, और जरा जानते हैं नम्रता से कि ये सीसीटीवी फुटेज गायब न सिर्फ वारदात के दिन बल्कि वारदात से 15 दिन पहले का भी सीसीटीवी फुटेज गायब, ये किस ओर इशारा कर रहा है नम्रता? देखिए रुमाना, बदलापुर मामले में ये बहुत बड़ा अपडेट है, क्योंकि घटना के दिन का ही नहीं, घटना के पहले का भी जो 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज है वो गायब है, और सीसीटीवी फुटेज गायब किया गया है के पीछे की क्या वजह है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दीपक केसरकर शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रिपोर्ट पेश किया है, इस रिपोर्ट को वो पढ़ रहे हैं, और इस बात की जानकारी सामने आई है कि ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज गायब है 15 दिनों का, इसके अलावा जो पीड़ित बच्ची है उसके दादा दादी ने क्लास टीचर से कंप्लेन की थी, प्रिंसिपल से कंप्लेन की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसके बाद थक हार कर वो पुलिस स्टेशन पहुंचे जहां उनको 12 घंटे बिठाया गया, उसके बाद रात के 10 बजे शिकायत दर्ज कराई गई। तो इस मामले में नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि उनकी कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है, रिपोर्ट वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगे, लेकिन बहुत बड़ा ये एक खुलासा है कि 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज गायब है। इस पर दो बातें हो सकती है, या तो आरोपी ने 13 तारीख के अलावा इसके पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया था और बच्चियों के साथ इस तरह की घटना की थी, स्कूल कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो इसमें शामिल हो सकता है आरोपी को बचाने के लिए, स्कूल का नाम बचाने के लिए, तो उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको सह आरोपी बनाना चाहिए। लगातार शिक्षा मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि पॉस्को के तहत पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। और एक और बड़ी बात उनकी तरफ से बताई गई है कि जो दो अटेंडेंट थी, महिला अटेंडेंट जो बच्चियों को शौचालय ले जाती थी, वो वहां पर मौजूद नहीं थी, तब जो आरोपी अक्षय शिंदे है उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो कहीं ना कहीं उनको भी इस मामले में जो है आरोपी बनाना चाहिए, और लगातार जो रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्रालय और कमेटी की आई है उसके बाद दीपक केसरकर इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं और जानकारी जो है वो सार्वजनिक कर रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट इसमें के आरोपी के तौर पर भी सामने आ रहा है कि उनकी तरफ से किसी तरह का सहयोग जो है बच्ची के परिवार को नहीं मिला। यही तो आरोप थे नम्रता, जो परिवार वालों की तरफ से लगाए गए थे, यही तो आरोप थे जिसके बाद बदलापुर का गुस्सा भड़का था और बदलापुर को हमने सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक उतरते हुए देखा था। ऐसे में अब सवाल ये कि जब ये लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, जब ये दिख रहा है कि सीसीटीवी न सिर्फ वारदात वाले दिन बल्कि उससे पहले 15 दिन भी गायब, तो अब क्या स्कूल प्रशासन, स्कूल प्रबंधन पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई होगी नम्रता? देखिए रुमाना, शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय का काम है, उनकी तरफ से महिला बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट तैयार की है, उनकी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जो उनके अधिकार के अंतर्गत आता है उस पर कार्रवाई करें। उन्होंने टीचर और बाकी जो अटेंडेंट है उनको निलंबित जरूर किया है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है वो गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस जो गृह मंत्री भी हैं वो लगातार कहते आए हैं कि इस मामले में जो भी खुलासा होगा उस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जो मुख्य आरोपी बताया गया है अक्षय शिंदे, वो जरूर गिरफ्तार कर लिया गया, उसको कस्टडी में भी भेजा गया है, लेकिन अब जब प्रिंसिपल, अटेंडेंट और टीचर का नाम सामने आ रहा है तो उन पर भी कहीं ना कहीं जो है पुलिस भी कार्रवाई करते हुए जरूर दिखाई देगी। पॉस्को के तहत जिन सेक्शन के तहत मामला दर्ज होता है, उन सेक्शन के तहत मामला दर्ज करके जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर जानकारी नहीं आएगी। शिक्षा मंत्री का कहना है कि वो रिपोर्ट उन्होंने गृह मंत्रालय को सौंपी है, तो आज ही के दिन जो है एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से भी यहाँ पर देखने मिल सकता है। बहुत शुक्रिया दुबे इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा खुलासा, खुद शिक्षा मंत्री ये जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से न सिर्फ वारदात वाले दिन बल्कि उससे पहले के 15 दिन का भी सीसीटीवी फुटेज गायब, और ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में स्कूल प्रबंधन और स्कूल प्रशासन, देखना होगा इन पर क्या कार्रवाई होती है।